हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज हम हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में, हमारे साथ हैं बलजीत सिंह। तो ये पीछे घर है बलजीत का। अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो इस वीडियो का पूरा जो एजेंडा वो ये है कि कितना महंगा है स्कॉटलैंड और कैसे मूव होना है, अगर इंडिया से मूव होना है आपको, क्योंकि बलजीत को एक साल हो गया यहाँ पे मूव हुए। तो ये लोग हमें सॉरी बोल रहे थे क्योंकि उनका बच्चा रास्ते में खड़ा था, बताओ। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है काफ़ी दिनों बाद। अभी सुबह तो बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे एक जो बड़ी दिक्कत है ना वो ये है मौसम की, कि यार सर्दियों में तो सुबह सूरज निकलता है शायद 9 बजे और 3:30 बजे अंधेरा हो जाता है। तो यू हैव लाइक कुछ भी नहीं, 6 घंटे ऑफ डे लाइट, 7 घंटे ऑफ डे लाइट, और उसमें भी बारिश पड़ती रहती है। तो वो तो एक दिक्कत है ही है जो मैंने देख ली है। बाकी क्या दिक्कतें हैं और क्या पॉजिटिव साइड्स हैं यहाँ मूव होने की, दैट आई विल गेट टू नो इस वीडियो में बलजीत सिंह से। और बलजीत मैरिड हैं, तो जिन लोगों मतलब फैमिली वाले लोग हैं उनको जो भी डाउट्स होते हैं कि घर लेना है और कितना किराया है वो सब चीज़ें, या फिर घर खरीदना है तो कितने का मिलता है, तो विल गेट टू नो ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम जा रहे हैं सुपर मार्केट, आपको दिखाएंगे कितना महंगा है स्कॉटलैंड। लंडन से जितना महंगा नहीं है ऑब्वियसली, लंडन से काफ़ी सस्ता है मैंने देख लिया। मतलब मेरे को तो ग्लासगो में मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो ही गया है, तो जो कुछ मैंने देखा है उसमें से मतलब यही मुझको दिखाया कि ठीक है उतना महंगा नहीं है, बट ऑब्वियसली बट इंडिया के साथ करेंगे कंपेयर तो महंगा है ही। विल सिंह सुपर मार्केट की हर चीज़ कितने की मिलती है यहाँ पे, दूध अंडे ब्रेड से लेके बाकी चीज़ें भी। सो या स्टे ट्यून्ड। तो बताओ बलजीत, क्या कर रहे थे इंडिया में? मैं, मेरे पास प्रॉपर्टी थी एक, मैं एक्चुअली वही मिला था बलजीत को। मैं वुड्स केशन में गेस्ट बन के आया था और फिर दोस्त बन गया। अब यहाँ आ गया। नहीं, उससे पहले भी मिले एक दो बार हमें ना, तो वुड्स केशन में ही मिले दो तीन बार। हाँ, मैं दो तीन बार आया हूँ, मेरे पेरेंट्स भी गए वहाँ पे एक दो बार उनके साथ। तो बलजीत, फिर इंडिया से यहाँ पे कैसे आना हुआ, क्यों आना हुआ? मतलब तुमने वैसे, अच्छा पहले ये बात, इसने भी जॉब छोड़ के अपनी MBA, ये मैं भी पंजाबी वॉन्डरर की तरह ही हूँ। इन्हें अपनी जॉब छोड़ के फिर मैं गया था हिमाचल में, अपनी प्रॉपर्टी खोली और वेल एस्टैब्लिश हो गई जब, तो 3 साल हो गए थे उसको। हाँ। 2-3 साल है ना। फिर क्या क्या हो गया, यहाँ पे कैसे आना हो गया? वही कोविड का टाइम था, टूरिज्म इतना हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं कुछ। हाँ, ओके, डिफरेंट करने का इधर उधर, और फिर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं बेसिकली। अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं था वहाँ पे, अच्छा टाइम नहीं जा रहा था, बट वैसे ही ट्राई किया कुछ मैंने। ओके, और मिल गई जॉब इंडिया से ही मिल गई? मैंने लिंक्डइन पे बेसिकली अपने कॉन्टेक्ट देखे। अच्छा, तो बहुत एक्चुअली मेरा जो मैं पहले जॉब करता था, मेरे कॉन्टेक्ट ओके पहले जॉब के थ्रू जो UK में थे। ओके, तो फिर मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया अपने कांटेक्ट्स को। ओके, लिंक्डइन के थ्रू। एंड एक्सपीरियंस था मेरे पास ऑलरेडी। उसी प्रोफाइल में मैंने जॉब्स देखनी शुरू करी। ओके, इंटरव्यूज दिए बढ़िया बड़ी कंपनीज के साथ। और लकीली कोई ऑफर मिल गया, रेफरेंस से मुझे ऑफर ही मिल गया। ओके, फिर तो इंडिया से ही जॉब तुम्हारी मिल गई? मुझे जॉब मिल गई थी। तो मतलब वही थी ना कि अगर आप अच्छे पढ़े लिखे, आपको अच्छा प्रोफाइल है, तो आपको इंडिया से ही जॉब मिल जाएगी। मेहनत तो करनी पड़ती है। आई वुड से कि मैंने मोर देन 100 इंटरव्यूज दिए होंगे। अच्छा, और मैं वही, आसान भी नहीं है, हिमाचल में बैठा बैठा पहाड़ों के वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा था, उनको भी दिखाता था मैं कहाँ बैठा हूँ। ओके, तो खुश रहते होंगे कि लाइक, तो वही था, मेहनत तो करनी पड़ती है। और फिर मतलब वर्क वीजा, मतलब जॉब लगने से वर्क वीजा का प्रोसेस कितनी देर का होता है? यार उस वक्त कोविड का टाइम था तो बहुत डिलेज चल रहे थे। ओके, तो इट टुक मी अराउंड 6 मंथ्स, 3 मंथ्स का बोला था, 2 मंथ्स का बोला था, फिर वो डिले होते होते 6 मंथ हो गए। और मेरा ऑफर भी बार बार ज्वाइनिंग डेट चेंज होती रही। लकीली दे एग्रीड ऑन द ज्वाइनिंग डेट्स, तो वो चेंज करते रहे। ओके, बस फिर 6 मंथ्स बाद मेरा जैसे ही वीजा लगा, मैं नेक्स्ट डे आ गया यहाँ पे। ओके,
अच्छा नहीं इतनी काली पी थी। अरे काली के पैसे ये जॉइनिंग डेट। ओ हाँ 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 जॉइनिंग डेट। देर मेरे को भी सेटल होना था यहाँ पे। ओके। गाड़ी घर सारा कुछ देख रहा था। उससे याद है कि बलजीत ने यहाँ पे घर खरीद लिया है। हाँ। तो वो बात करेंगे घर देखने के बाद ना कि ये घर है और कितने का है। हाँ। क्योंकि मतलब वही फंडा है कि रेंट देना है या किस्तें देनी है लोन की। इट्स द सेम थिंग। आपकी प्रेफरेंस है, आपकी आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, आपकी कैसे थॉट प्रोसेस है, हर कोई अलग सोचता है। एग्जैक्टली मतलब मेरा रहता है कि यार मुझे एक जगह पे नहीं रहना टिक के। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं रेंट दे दूंगा, मैं किस्त नहीं दूंगा कि एक प्रॉपर्टी बंद जाओगे तुम, लायबिलिटी हो जाएगी। तो मैं इससे भी नहीं बताऊँ क्योंकि मैंने मॉर्गेज लिया है, तो वी कैन रीसेल इट इजिली। अच्छा। रीमॉर्गेज होता है, बहुत बहुत प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। ओके। एंड दो प्रॉपर्टी लेना इजी नहीं है यहाँ पे, बहुत टाइम लग जाता है मेरे को। अच्छा। ढूंढने में मेरे को सब कुछ मतलब व्यूइंग करना, व्यूइंग लाइक हाँ यहाँ पे वो होता है इंटरव्यू, बिडिंग फॉर अ प्रॉपर्टी यहाँ पे ना, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट रिजेक्टेड। हाँ ये भी होता है भाई, यहाँ पे अगर रेंट भी लेना है तो भी व्यूइंग्स होती है, आपको डेट लेनी पड़ती है, भी ऐसा ही है। और बाहर लाइन लगती है लोगों की घर देखने के लिए, तो बड़ा ही अलग है यहाँ पे प्रोसेस है। वो बिट वाला सिस्टम टाइप्स हो जाता है, जिसने अच्छा बिट दे दिया उसको मिल जाएगा। उस टाइम पे तो वैसे ही बिडिंग बढ़िया ही चल रहा था। ओके। एंड लोन महंगा हो चुका था। लोन लकीली मैंने आते ही मैंने अप्रूवल ले लिया था, मतलब नहीं प्रिलिमिनरी अप्रूवल टाइप मिलता है, आपको टाइम मिलता है 6 महीने प्रॉपर्टी देखने का। नहीं जैसे मेरा एक सवाल है कि वर्क वीजा पे भी आप घर ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। ओके। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा मिलता है आपको। अच्छा। सिटीजन को कम मिलेगा? ओके ओके। देन एक मोस्टली जो यहाँ पे मॉर्गेज प्रोवाइडर्स होते हैं, बैंक्स बेसिकली या अदर मॉर्गेज प्रोवाइडर्स, एक साल के बाद ही देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। ओके। फिर भी मैंने वही प्रेफर किया क्योंकि मैं अपने घर में रहना चाहता था रेंट की जगह। अच्छा। यहाँ पे देखोगे आपकी, मैं बात काट रहा हूँ बीच में, ये दुकानें वकानें सब बंद है क्योंकि क्रिसमस है। आज क्रिसमस है, आज जीसस जी का प्रकाश उत्सव है। हाँ। तो अच्छा हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अच्छा घर हो गया, तो उसके अलावा अब मतलब और तरीके वर्क वीजा के जिनको जॉब नहीं मिलती, तो स्टडी पे भी है लेकिन उस पर अभी बंद कर दिया उन्होंने ना, फैमिली का आना। स्टडी का डिपेंडेंट वीजा बंद कर दिया उन्होंने। दो मेरे कुछ रिलेटिव आए हैं यहाँ पे उसके बाद, मतलब उससे पहले लास्ट जब बंद किया था। नेक्स्ट ईयर से बंद कर रहे हैं वो स्टडी वीजा पे डिपेंडेंट। हाँ, अब जो भी एप्लीकेशन आएगी वो बंद हो गई है, मतलब नेक्स्ट एडमिशन से। नहीं तो इट यूज्ड टू बी अ वेरी फ्रीक्वेंट तरीका ना लोगों का आने का, कि बीवी की जॉब लगवा दी कुछ भी नर्सिंग वर्सिंग, और उसके बाद पूरी फैमिली आ गई, बच्चे पति सब आ गए डिपेंडेंट वीजा पे। मिस यूज भी हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे कि लोग अपने स्टडी वीजा पे आए, फिर स्टडी करेंगे नहीं, स्टडी करी ना करी, करी नहीं। हाँ। यहाँ पे जॉब देख ली। हाँ, और जॉब करने लग गए कुछ भी, मतलब उसको शिफ्ट कर लिया वर्क। अच्छा, वीजा में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा ऑफिशियली मुझे लगा कि इलीगली काम करने लग गए। अब वो उन्होंने वो भी उस पे रेगुलेशंस लगा दिए, वो कर नहीं सकते आप। ओके। आपको पढ़ाई पूरी करनी कर दिया इन्होंने चेंज, जब से ऋषि सुनक आया है ना इन्होंने। हाँ, ऋषि सुनक सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत लोग माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ। लास्ट ईयर रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइग्रेशन हुआ था इंडिया से स्पेशली। ओके। तो यूके में, तो इसलिए वो रेगुलेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये हो गया अपना आने के और तरीके, मतलब और तरीके बहुत है बट वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। हाँ। तो अभी स्पाउस वीजा तो है, अभी भी स्पाउस वीजा तो है। हाँ, स्पाउस वीजा है तो भाई वो अब क्या है स्पाउस वीजा, कुछ भी नहीं है स्पाउस वीजा। स्पाउस वीजा तभी लगता था ना। हाँ। कि जब कोई नहीं डिपेंडेंट आ रहा हो, या नहीं समझ लो आपको लड़की मिल गई कोई पक्की इंग्लैंड वाली, वो तो फिर तो है ही पक्की कुड़ी लबो ना ब्याह कराओ। हाँ। तो फिर आ जाओ, ठीक है, टूरिस्ट वीजा लगाना पड़ेगा उससे लिए पहले, आप ढूंढ सकते हो। मैं इसलिए तो आया हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करने आया तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद गोल तो ओके, ये हो गए हमारे डिफरेंट तरह के वीजे वीजे वीजे। रुक जाओ, थोड़ा क्रॉस करनी है अपने को, इधर ही जाना। हाँ, उधर ही चल लो, उधर ही चल लो भाई, ठीक है। तो मैंने कहा भाई थोड़ी दूर है सुपरमार्केट, तो रास्ते में बातें कर ही लेते हैं, घर जाके भी करनी है। यहाँ पे लगा हुआ फॉर सेल। हाँ, घर लगे हुए हैं फॉर सेल ना। हाँ, ओके ओके। और कितने का, चलो बात कर लेते हैं घर की, कितने का कर लिया तुमने? यार जो इस यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूएशन होती है कंपनी। हाँ। होती है वैल्यूएशन कंपनी। तो वो वैल्यूएशन करती है। हाँ। और उसके ऊपर हमको बिड करना होता है। ओके। तो निकल जाओ एक मिनट यहाँ पे। अरे हाँ, मुझे ये ध्यान आया, ग्लासगो में कूड़ा उठाने के ये देते हैं 25,000 रुपए महीना।
बेसिकली काउंसिल टैक्स इंक्लूडेड, गार्बेज कलेक्शन इज इंक्लूडेड इन काउंसिल टैक्स, 25,000 रुपए महीना। अच्छा हाँ, घर बता रहे थे तुम। मैं घर बता रहा था कि मैंने जो लिया है इट्स मोर देन 125K, 1.25 करोड़। ओके, इन इंडिया मोर देन 1.25 करोड़ का। हाँ तो ठीक है, मतलब गुड़गांव में भी इससे महंगा ही मिलेगा ऑब्वियसली। हाँ इससे महंगा मिलेगा, ये ग्लासगो ही इतना सस्ता है। हाँ मतलब और कहीं मुश्किल ही है आपको मिलेगा। अच्छा, रेंज में ओके, एडिनबरा में भी मिलेगा। ओके ओके, एडिनबरा में भी महंगे ही है। हाँ महंगे ही है, ठीक है। मतलब तो इसके... तो ग्लासगो मतलब सस्ता शहर है रहने के लिए, अच्छा भी है। हाँ कह सकते हैं। ओके ठीक है, सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर सिटी। तो एडिनबरा महंगा है क्योंकि वो कैपिटल भी है। गाड़ियां यहाँ पे ज्यादा हो गई अभी एकदम से, थोड़ी मेन रोड पे आ गए हम। तो जो घर देखा है ना हमने, मतलब जो घर है बलजीत का, उसमें मतलब एक हॉट समझ लो कि उसकी जो वैल्यूएशन थी पेपर्स पे वो अराउंड 1। ओके, और फिर तूने बिड करा, ऊपर बिड किया। ओके, फिर देन अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने के भी। ओके, वो सब मिला के एवरीथिंग, रजिस्ट्री रजिस्ट्री सब कुछ। हाँ ओके, 25 यहाँ पे सॉलिसिटर रखना पड़ता है, आप बिना उसके प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अच्छा हाँ, मैंने दुकानें बड़ी देखी, दुकानों पे लगे होते हैं घर बार लगे होते हैं, फोटो लगी होती हैं घरों की, ये घर सेल पे हैं, एजेंट्स हैं। ओके, जेंट तो तीन जने वो होते हैं, एक हम, एक एजेंट्स और एक सॉलिसिटर। ओके, सॉलिसिटर ही ऑफर डाल सकता है, हम डायरेक्टली ऑफर नहीं डाल सकते। अच्छा तो थोड़ा प्रोसेस भी है घर लेने का, भी कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया की तरह नहीं, बट यार बहुत सस्ता है। गुड़गांव में तो नहीं मिलेगा 1.25 करोड़ का घर आपको, नहीं मिल सकता गुड़गांव में तो, मतलब सवाल ही नहीं है। मेरे को 2+1 टाइप्स मिला हुआ। हाँ आई डोंट थिंक सो मिलेगा, मतलब आपको घर दिखाऊंगा मैं, काफी अच्छा घर है, बड़ा है, मतलब आराम से फैमिली के लिए, और मतलब मेरे को भी अपना कमरा मिला हुआ है इसमें। तो वो जनरली क्या कहता है बलजीत, लिस्ट बल्कि करता है कि यहाँ पे जैसे एयरबीएनबी होता है उस पर लिस्ट कर देता है घर, वो कमरा जो एक है। हाँ, तो वो आ जाते हैं वहाँ से थोड़े बहुत वहाँ से भी। और अदरवाइज किराया कितना है घर का, अगर घर वही घर किराए पे लेना हो तो? यही सेम घर, 1,000 pounds। अच्छा, एंड काउंसिल टैक्स लाख रुपए, इलेक्ट्रिसिटी अलग। अच्छा तो Okay. अच्छा, जो अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी लेने, तो जैसे तुम दो लोग हो घर में, तो कितना खर्चा आता है महीने का ग्रोसरी का? मतलब नहीं, सब कुछ मिला के मैं बता रहा हूँ, ग्रोसरी गैस बिल ये वो, फोन के बिल। अच्छा। गाड़ी का तेल सब कुछ मिला के कितना खर्चा? 2,000 बस, 2,000 pounds। मैं लंदन में करी थी वीडियो, तो पाजी बोल रहे थे उनका 4,000 आता है। हाँ, वो तो लंदन थोड़ा महंगा है, महंगा भी है, देन आप जॉब जो भी कर रहे हैं सैलरी भी ज्यादा मिलती है, सैलरी डबल मिलती है। तो मेरे रोल पे मुझे सैलरी वहाँ पे ज्यादा मिल नहीं रही थी, तो मैंने यहीं पे प्रेफर कर लिया। ओके ओके ओके, और मतलब तू तो चलो वो करता है, व्हाइट कलर जॉब करता है, एमबीए एमबीए वाली। हाँ, अदरवाइज यहाँ पे हर घंटे का वो क्या रेट है, पे रेट क्या है? राइट, अभी जो चल रहा है आई थिंक 10.50 चल रहा है। अच्छा, तो यही तो फर्क है एज के हिसाब से। लंदन में यही 20 pounds मिलता है वहाँ पे पर घंटे का, तो बात वही है। स्कॉटलैंड हो गया ना, स्कॉटलैंड का मिनिमम रेट अलग है। ओके ओके, और ओके ठीक है। तो अगर खर्चे, अगर खर्चे मैं बोल रहा हूँ आधे ही लगा लो आप, तो आपकी इनकम आपको देखनी पड़ेगी, अगर आपको वो सब जॉब्स करनी है। इनकम जैसे ठीक है, यहाँ पे टैक्स, टैक्स इतना है। अच्छा हाँ, तो सब कुछ सोच के आना पड़ता है। कितना टैक्स है? 50%? नहीं, 50% तो बिजनेस वालों का होता है। तो जो स्लैब है यहाँ पे 125, मतलब हाँ 12,500 का है। अच्छा, एनुअल। ओके, और उसके बाद टैक्स लगता है विच इज अराउंड 21%, 25%, 24%, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब। ये तो इंडिया में भी इतना टैक्स देना ही पड़ता है, यहाँ पे पाउंड में देना पड़ता है ना। तो कमाते हो तो पाउंड में हो। वही तो कह रहा हूँ, फिर उसके बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है। हाँ, ये अच्छा, ये स्टोर है अल्डी, अल्डी। अच्छा, तू कब से उसे वो बोला था एलडी एलडी एलडी? अच्छा, ये है ALDI LD। ओके, तो चलते हैं इसके अंदर ना, देखते हैं कि अंदर ग्रोसरी कितने कितने की है। हमने ऑनलाइन चेक किया था, खुला था। बंद पड़ा है दुकान अभी, इसको घर जाके पड़ेगी गालियां बीवी से कि दो दिन से बोल रही हूँ ले सामान लेके आना है। राज दुकान बंद हो गई है। चलो क्रिसमस है, सब बंद है आज। अरे
वहाँ से देखें उस वाली शॉप से। मैं देख रहा हूँ। बाकी अगर आप सोच के आएंगे कि आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं विदेश में, यहाँ पे देखिए यहाँ भी पानी खड़ा होता है। ये सामने देखो, और मेरे ख्याल सामने टेस्को खुला है, तो टेस्को में मिल सकता। इधर से जाना है उधर से जाना है? तो आ देखो इतने भी पानी खड़ा है ना, था इन्हें भी माड़ा ही हाल है। चलो निकलो भाई, एक एक करके निकलेंगे। तो मैंने ये देखा है कि इंग्लैंड एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, मतलब उतना वो नहीं है कि जैसे यहाँ पे वेस्ट क्रिकेट नहीं करते ज़्यादातर लोग, तो सारा वेस्ट इकट्ठा डाल देते हैं डस्टबिन में। जर्मनी में जाओगे ना आप, और भाई स्लोवेनिया में जाओगे, स्लोवेनिया में तो भाई इतना ज़्यादा करते हैं ना वेस्ट क्रिकेट। काउंसिल पे डिपेंड करता है हाँ, कि कितना क्या क्या रूल्स लगाते हैं। हमारी काउंसिल है हाँ, वो स्पेशली ध्यान देती है इस चीज़ों का हाँ। अगर मैं हम कुछ और डाल देंगे डस्टबिन में, वो लेके ही नहीं जाएंगे। अच्छा हाँ ओके। नहीं लंदन देखा था मैंने, वो कुछ क्रिकेट नहीं कर रहे थे। अच्छा भाई ये तो टेस्को एक्सप्रेस है, टेस्को पूरा नहीं है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि टेस्को के भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेरिएंट, टेस्को इज अ चेन, जैसे ये थी ना एलडी जो भी, वैसे ही टेस्को होती है एक चेन। तो टेस्को बड़ा भी आता है, ये सामने टेस्को एक्सप्रेस है। मुझे लग रहा है बंद ही है भाई, थोड़ा सा बंद है, लाइट जल रही है, थोड़ा सा बंद है। तो चलो तैयार हो जाओ, गाढ़ा खान ली। हाँ गाढ़ा पहनी है घर जाके, क्या की कुछ नहीं। लोग बोल रहे थे बीच नहीं है भाई ग्लासगो में, ये देखो बीच, ग्लासगो के बीचों बीच बीच है। ओ भाई लहरें आ रही हैं ऊपर तक, निकल जाओ बच के, जूते गीले ना हो जाए। और यार एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है भाषा। अब आप जब स्कॉटलैंड आ रहे हो तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए ही, लेकिन यहाँ की इंग्लिश जो है वो थोड़ी अलग है, यहाँ के लोगों का जो एक्सेंट है आप समझ नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ के लोगों के साथ। तो अगर आपका कोई दोस्त नहीं है जो कि स्कॉटलैंड में रहता है, तो यू कांट प्रैक्टिस विद एनीबडी। तो उसके लिए एक ऐप है कैम्बली, तो कैम्बली पे बहुत सारे लोकल ट्यूटर्स हैं यूके यूएस कनाडा से। और आप ऐप पे जाके बिना किसी जजमेंट के, जो ट्यूटर्स हैं ये काफ़ी आपको फ्रेंडली वे में सिखाते हैं, आप बिना जजमेंट के, आपको जज नहीं करेंगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। अगर आप ज़ीरो भी हैं इंग्लिश में तो भी आप सीख सकते हैं। तो कैम्बली पे आप एक ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से ₹44 की है जस्ट, तो 30 मिनट की ट्रायल क्लास है। और क्लास पसंद आती है आपको तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर वन ऑन वन क्लासेस या फिर ग्रुप क्लासेस। तो ग्रुप क्लासेस में क्या होता है कि आपके जैसे दो और लोग होंगे किन्हीं और कंट्रीज से, तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको वो, और वन ऑन वन में सिर्फ आप होंगे ट्यूटर के साथ। अभी कैम्बली एक कैंपेन रन कर रही है, तो एक कूपन कोड है TPW27, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए वैलिड है, तो आप ये यूज़ करके कैन गेट सम डिस्काउंट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो गो बुक योर ट्रायल क्लास टुडे। अभी घर जा रहे थे तो रास्ते में इतना सुंदर नज़ारा था, तो मैंने आपको दिखाता हूँ। यहाँ कभी कभी देखने को मिलता है जल्दी, ये पूरा डार्क होता है स्काई, और ऐसे टिप 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 बूंदाबांदी हो रही होती है। आज दिख रहा है सुंदर सा। बाकी बलजीत बोल रहा था कि इसके पैर में दर्द हो रहा, फिर मुझको ध्यान आया कि यहाँ मेडिकल का क्या सीन है भाई, डॉक्टर वॉक्टर का। मेडिकल जब आप वीजा लगवाते हो, जितने टाइम का वीजा लग रहा होता है आपका, उस हिसाब से आपको NHS यहाँ पे सेंट्रल हेल्थ सिस्टम है, नेशनल हेल्थ सिस्टम करके, ओके, उसकी फीस भरनी पड़ती है। कितनी होती है वो? आई थिंक अब इंक्रीज हो गई है, £1,000 होगी। क्या साल की? जितने टेन्योर का आपका वीजा लग रहा है। नहीं तो मतलब £1,000 एक साल की है? नहीं 2 साल की मान लो। £500 अच्छा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पर अभी इन्होंने रिसेंटली बढ़ा दी है बहुत। अच्छा आई थिंक 30-40% बढ़ा दी। तो ठीक ही तो है, ₹1,00,000 ही तो है, है ना? बट है तो इंश्योरेंस करके हाँ। बट आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो आप सर्विसेज अच्छी है, मैंने अभी तक यूज नहीं करी, मैंने नॉर्मल उसके लिए करी है, कोल्ड कप हो गया या वैसे उसके लिए यूज करी है। बट वैसे कुछ कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती है, जैसे आपको कुछ बड़ी बीमारी हो जाए। अच्छा, जैसे कैंसर वैंसर हो जाए तो, अदरवाइज जैसे जैसे कोई दिक्कत हुई तुझे जाना है तो यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, हैव टू टेक अपॉइंटमेंट। और मिल जाती है आसानी से? नहीं मिलती है? मिल जाती है 2-3 दिन बाद की। जैसे बंदे का पेट दर्द अभी हो रहा है तो वो 3 दिन बाद के मिला देगा, नहीं वो आपको फोन पे ही गाइड कर देगा कि ये मेडिसिन है, आप यहाँ जाके मेडिकल शॉप भी बताएगा। अच्छा, वहाँ जाके कलेक्ट कर लो फ्री में। अच्छा, कोई पैसे नहीं देने होते। ओके, और ये सारा घर के पास ही होता है मोस्टली। अच्छा, क्योंकि आपको अपने घर इलाके का
अपने घर के पास ही रजिस्टर कराना होता है और उसके पास ही कोई ना कोई मेडिकल शॉप होती है जो आपका जीप का जीपी बोलते हैं उसको जनरल प्रैक्टिशनर ऐसा कुछ ना जनरल फिजिशियन ऐसा कुछ जो भी होता होगा जीपी तो जीपी को आप फोन करते हो बता देता है कि ऐसे 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 ये दवाई ले लो ओके ओके तो मतलब नॉट बैड क्योंकि मैंने सुना था बड़ा बुराई सुनी थी मैंने कि यार कोई कोई दिक्कत होती है तो इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती बुराई इसलिए चल रही है आज कल क्योंकि बहुत लोगों की पेंडिंग पड़ी है जैसे जिनको अच्छी खासी बीमारी हुई उनको भी प्रायोरिटी नहीं मिल रही अच्छा एनएचएस हैंडल नहीं कर पा रहा क्योंकि उनके पास स्टाफ ही नहीं है इतना स्टाफ कम है इसलिए ये चल रहा है सोशल और ये सब अच्छा ज्यादा मिल रहे हैं नर्सिंग वीजा ये सारे प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए ही प्रायोरिटीज दे रहे हैं उनको ही फैसिलिटीज दे रहे हैं कि उनको डिपेंडेंट आप ला सकते हो बट वो धीरे धीरे थोड़ा टाइम बाद वो भी डिपेंडेंट हटा देंगे नर्सिंग मेक सेंस की ओके ओके ऐसे हो रहा है तो मतलब मैंने देखा था चलें घर आ जाओ मैंने देखा था स्पेन में भी मेरे पाजी थे घर में था मैं उनकी मम्मी थी उनको प्रॉब्लम थी घुटनों की तो घुटनों में दर्द हो रहा है जो भी हो रहा है सर्जरी की डेट ही नहीं मिल रही सर्जरी की पता नहीं कितने कितने हफ्ते बाद डेट मिल रही है अरे सामने देखो क्या बादल आ रहे हैं काले एकदम वो सामने पूरे काला पहले अभी माउंटेन्स दिख रही थी हाँ अभी पहाड़ दिख रहे थे जाते हुए अभी सब खत्म तो ठीक है तो ये होगी उसकी फीस अभी घर पहुँचने वाले हैं मैं घर दिखाता हूँ और गाड़ी भी गाड़ी की इंश्योरेंस कितने आती है भाई इंश्योरेंस डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल क्या है तो कितने अगर साल की आपके पास यहाँ का लाइसेंस है तो जो मेरे पास है प्रिलिमिनरी टैक्स तो वो आपको मिलता है कि अराउंड 1200 से 1600 पाउंड एनुअल विच इज लाइक 140-150 पर मंथ भाई बड़ी हवा चलती है अच्छा ऑडियो नहीं होगा घर जाके बात करते हैं ये देखो होगी बारिश शुरू और बिल्कुल सही टाइम पे हम घर पहुंच गए अब वो है आगे वाला घर और दिखाता हूँ गाड़ी में है इसकी भाई गाड़ी 2000 पाउंड की है और ये इंश्योरेंस दे रहा है 1600 पाउंड जिसने की गाड़ी है ये देखा छोटी सी गाड़ी है सही है मस्त है गाड़ी उसकी इसको इसने ली है पुरानी ली सेकेंड हैंड ली है यूज ली है तो ये गाड़ी इसको मिली है 2000 पाउंड की और इसकी इंश्योरेंस 1600 पाउंड है तो 2 लाख की गाड़ी और 1.5 लाख 1,60,000 ये दे रहा है उसकी इंश्योरेंस और ये है घर तो घर मैं खोलो ये हमारा हमारी कुटिया एक उनका चलो तुम चलो आगे तुम चलो आगे भाई आओ आओ क्योंकि सास भी कभी बहू थी यहाँ पे मोस्टली घरों में ना कार्पेटेड होता है अच्छा हाँ तो जूते हम उतार देते हैं हम हैं यहाँ पे उतार रहा हूँ ऊपर जाके और ये मेरी भाई पुरानी चप्पलें इंडोनेशिया वाली चल रही हैं अभी तक हाँ जी ओके तो ये आपका घर की अच्छा इसमें क्या दिक्कत है बताता हूँ दिक्कत नहीं मतलब क्या फंडा है आप सोच रहे हो सीढ़ियाँ ऊपर आ गई सीधी तो इधर एक और पोर्शन है ग्राउंड फ्लोर पे पूरे इसमें 4 पोर्शन है डब्बे से में तो हाँ जी ये हो गया इनका नहाने का टॉयलेट वॉशरूम और बाकी सेंट्रल हीटिंग होती है तो ये मेरा कमरा है टिंग 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 अरे ठीक है मेरे कमरे में इतनी सफाई है बहुत है हाँ क्योंकि गर्मी एकदम हमने सेंट्रल हीटिंग लगाई हुई थी उसके अलावा ये बलजीत का कमरा है और ये हॉल है तो सीटिंग एरिया डाइनिंग एरिया इधर ये इसका ऑफिस है इतना बड़ा घर आपको अगर 1.25 करोड़ में मिल रहा है तो क्या बुरा भाई इंडिया में तो ना मिल रहा इसने काफी देर वर्क इसको तो तुम बेडरूम बना सकते हो एक और हाँ ये यूजुअली किड्स एरिया होता है या डाइनिंग एरिया होता है हाँ और तो इधर किचन है मैं ऑफिस बना तो जितने भी 4 घर सबका सेम ही है सेम नीचे ऊपर मोस्टली सेम है ओके तो ये किचन है आज बनेगी महाराजमा की दाल वेरी गुड ये बड़ा सही शेफ है मुझे बस मस्त मस्त खाने खिलाया इसने तो अभी फिर यहीं करते हैं अपनी वीडियो को पूरा बैठ के आराम से ये देखो जी हाल अभी हमें घर से निकाल दिया गया कि जाके पहले सामान लेके आओ वीडियो बाद में बनाना तो हम जा रहे हैं कहीं और सामान लेने तो बारिश आ रही है हाँ ये देख लो बारिश तो हम इसमें
गाड़ी पे जाएंगे, गाड़ी पे जाएंगे। ये वही सेम रास्ता है डिट्टो। 10-15 मिनट पहले। तो अगर आप इसको मतलब वही है ना कि इसके लिए तैयार हो, हाँ। तो आ जाओ, तभी आओ मैं मत आओ। ये तो हो गई। ये तो है, ये हर सीजन में है ना, हाँ। सर्दी गर्मी कोई भी महीना हो, कभी भी बारिश, बारिश 24 मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, बारिश 365 days। बाकी क्रिसमस चल रहा है तो मिलेंगे हमें थोड़े घर सजे हुए लाइटों के साथ। तो अभी एक्चुअली हम आ गए थोड़ा सा अपने देसी इलाके में, यहाँ पे सब दुकानें शवरमा ये वो सब है, तो ये क्रिसमस नहीं मना रहे, तो ये सब दुकानें तो खुली हैं। यहाँ से हमें उम्मीद है कुछ सामान मिल जाएगा हमें अपना, लेकिन गाड़ी पार करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जरा भीड़ नहीं है तो मिल जाएगी हमें, अदरवाइज गाड़ी पार करना इज अ बिग हेडेक यहाँ पे। तो सामान ले आए हम जो बोला गया था, और ये पनिशमेंट है कि चलो नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, बहुत काम करता है रसोई में ना ये। अभी हमने खाना खाया भरपेट और लेकिन मीठे की क्रेविंग हो रही, तो हमारे पास वॉफल्स और आइसक्रीम, और तब खाते खाते बात करेंगे कि जो भी बाकी सामान रह गया हमारा, कुछ कुछ रह गया, कितने सैलरी वगैरह कैसे है, कितने पैसे कमाता है भाई हमारा, तो वो बात करेंगे थोड़ी देर में। हाँ बड़ा तंग करता यार ये माइक, कभी कभी रिकॉर्ड नहीं करता ऑडियो, और उसको यहाँ से भी हम अब इसमें बच गया, तो बहुत ही लजीज डिजर्ट। अच्छा यार बिलजीत, तो और क्या कोई बात रहेगी तुम्हारे दिमाग में, कोई और बात हो जो रहेगी हमने नहीं बात करी हो? NSS की हो गई थी बात है, हाँ GP में रजिस्टर कराना पड़ता है नॉल। और क्या बताओ बाकी यार, यहाँ पे ना यूरोप, बाकी यूरोप से ये चीज़ बेटर है कि आपको कोई भाषा सीखनी नहीं पड़ती, जैसे इंग्लिश ही बोलते हैं तो, लेकिन यहाँ का थोड़ा एक्सेंट अलग सा है, स्कॉटिश एक्सेंट अलग गया, टाइम लगता है समझने में, बट MNCs में अगर काम कर रहे हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। उससे बात तो निकल से ये चीज़ लगी कि यहाँ पे लोगों की सैलरी कितनी होती है। एक मैंने चीज़ पहले बोली थी ना मैंने कि लंदन में लोगों को 20-20 pounds मिलती है, तो वो एक्चुअली उनकी स्किल पे मिलती है। मिनिमम वेज वहाँ पे भी शायद 12-13 pounds ही है। सेम है, सेम है, 1 pound का फर्क होगा, तो फिर तो ये रहना बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ सस्ता है, यहाँ पे खर्चा आधा हो रहा है। अगर आपको वहाँ पे सैलरी बेटर मिल रही है और आप थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रह सकते हो लंदन के या यूके, हाँ। तो ठीक है, नहीं तो ग्लासगो बेटर है भाई। जो वो जो दो लड़कियाँ नहीं जिसको हम देखे पिछले ब्लॉग्स में, वो स्टूडेंट्स हैं इशबेल और सीसी, वो रहती हैं लिवरपूल स्ट्रीट पे। ओके। उनका जो घर है नीचे सिर्फ एक दरवाज़ा है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे कमरे हैं, वो रहते हैं 5 लोग। उनका घर का किराया है 5,000 pounds, तो हर एक बंदा 1,000 pounds दे रहा है किराया विद इलेक्ट्रिसिटी एंड पता नहीं इतना नहीं मेरे को पूछा, मैं तो इस पे मेरी हो गई 5,000 pounds किराया, तो यूटिलिटीज इंक्लूडेड होंगे इसमें। पांच नहीं, और वो बिल्कुल सेंटर में है। हाँ, सेंटर में होगा और शेयरिंग भी होता है ना फिर। हाँ, और वो मतलब निकलते ही बाहर वो पब्स और बार्स वो सब हैं, तो काफ़ी मतलब हैपनिंग सा एरिया है, तो डिपेंड करता कहाँ रह रहे हो, राइट, तो उस पर भी आपका हाँ कितना। जैसे हमारे मेरे ऑफिस में बहुत जो लोग हैं जो लंदन में एम्प्लॉयड हैं, लंदन ऑफिस आते हैं, वो लंदन से 1 घंटा दूर रहते हैं, तो जस्ट टू सेव ऑन ऑल दोस एक्सपेंसेस, या वो प्रॉपर्टी उनको सस्ती वहाँ पे मिली हुई है, उन्होंने वहाँ पे ले ली। तो अभी फिर मतलब सैलरी कितनी, अपनी मत बताना, मतलब सैलरी कैसी कितनी की होती है, मतलब क्या रेंज होती है? यार डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स एंड जॉब यू डू, स्टार्टिंग वही मिनिमम वेज के हिसाब से इट्स लाइक 22 मतलब MBA करने के बाद भी? यार MBA वाले भी ये ऐसी जॉब्स कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे मतलब तुम्हारे अगर आपको बढ़िया जॉब मिल जाती है तो 30 plus, तो जैसे कोई ऑफिस जॉब है प्रॉपर तुम्हारे स्किल के हिसाब से, मतलब तुम जैसे तुमने अगर अच्छा MBA करा हुआ है, एक्सपीरियंस है, या इंजीनियर हो या कुछ हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ, हो, एक्सपीरियंस है, तो 30 pounds plus, 30 आराम से, तो मतलब कि 3,000 rupees 30 pounds हो गए ना, 3,000 rupees टैक्सेस काट के, 2,500-2,400, फिर भी 3,000 rupees घंटा मिल रहा है, तो दिन में कितने घंटे, 8 घंटे होता है, मैं 30,000 बोल रहा हूँ एनुअली, सो विच कम्स आउट टू बी 2,400 मंथली,
अच्छा 2000 मतलब 2 लाख रुपए हो गए ना। तो फिर तो इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब इंडिया में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने कमा ही रहे हैं 2 लाख। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करो तो उनको तो 60-70 हज़ार का पैकेज मिल जाता होगा। मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे जो ऑफिस में जितने भी हैं वो TCS से कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ओके, तो उनका 40-50 हज़ार का मिनिमम स्टार्टिंग होता है। यही पूछ रहा हूँ मैं, 40-50 हज़ार बट वो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं तो उनका टैक्सेस ज़्यादा रखते हैं और उनका अलग होता है पे स्केल। तो मतलब कि वो साल का 40-50 लाख कमाते हैं माइनस टैक्सेस। तो जनरली मतलब जैसे तुम्हारे आसपास जितने भी लोग तुमने देखे तो उन्हें एवरेज कितना लोग कमा लेते हैं? अगर जैसे तुमने बोला कि 2000 पाउंड खर्चा है यहाँ पे, एक मैं पढ़ रहा था महीने का स्टैट्स, मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इज अर्निंग लेस देन 25। ये यहाँ पे मेंटेन करने के लिए लेवल, ये पुरानी इनकी इनकी पॉलिसी है कि ये, इसलिए इन्होंने मिनिमम वेज रेट रखा हुआ है। ओके, और मतलब मोस्टली स्टोर्स पे चले जाओ या इंडियन रेस्टोरेंट्स में चले जाओ तो आपको मिनिमम ही देते हैं, मिनिमम वेज देते हैं जो कि 11-12 पाउंड। हाँ, 11-12। देन आप अगर MNCs में जा रहे हो तो वो 20 पर आवर कर देते हैं या 30 कर देते हैं। फिर अगर मतलब पर डे का वो 150-170, देन उससे और बेटर जॉब मिल जाए तो आपको 200 पर डे भी मिल जाता है, 300 भी मिल जाता है। अच्छा, 300 पर डे मतलब कि 30,000 रुपये। ओके, मतलब वो कुछ किसी जॉब में होता होगा। एक्सपीरियंस पर, जैसे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है आपके ना, मोस्टली वो आपको जॉब पे ले तो लेंगे पुराने किसी कंट्री का अगर आपके एक्सपीरियंस है, बट वो उसके बाद जब आपको ग्रोथ होगी तो आपको यहीं के एक्सपीरियंस के साथ ही होगी। ओके, तो फिर उसके उस हिसाब से सैलरी बढ़ती है। अगर हम एवरेज लें तो बता दूं 25 पाउंड पर आवर। 25 पाउंड, हाँ, ये एवरेज लोग कमा रहे हैं। तो 25 कमाएंगे तो महीने में कितना बन जाएगा उनका? 25, मैं कह रहा था 25,000 से कम का लोगों का एनुअल पैकेज है। एनुअल तो 25 लाख से कम। हाँ, तो मतलब वो मिनिमम वेज के आसपास ही है, तो मतलब 2000 रुपए ही हो गया। हाँ, पर मंथ, उससे भी कम। और उतना ही खर्चा है अगर अकेले रह रहे हो तो उससे कम होगा खर्चा, बट अगर अगर फैमिली है तो ऑब्वियसली ज्यादा डबल। तो वही बात, सीधी सीधी बात है कि दोनों लोग काम करेंगे तो एक की सैलरी खर्चा आएगी, एक सैलरी सेविंग या जो भी करना है, जैसा आपको करना है। ओके, तो अगर हम खत्म करें इस वीडियो को, ये पूछ गए कि अगर तुम देखो तुम्हें 1 साल हो गया है तो ऐसे। हाँ, एक और चीज़, वो डिप्रेशन बोलते हैं लोग कि भाई यहाँ पे आके ग्लूमी वेदर है और सन नहीं दिखता, तो डिप्रेशन वाली फीलिंग, ऐसा कुछ आया 1 साल में? मेरे को तो ऐसा कुछ खास ऐसा फील हुआ नहीं। बाकी अभी 1 साल ही हुआ है, 1 साल ही हुआ है। थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई सनलाइट कम होती है, मेरे को लगने लगे सनलाइट कम होती है, बारिश आती रहती है, बाहर कहीं कम ही जा सकते हो, जाओगे तो आपको बारिश की आदत तो ऑब्वियसली डाल ली है। तो मैं जैसे रेगुलर एडिनबरा जाता था शुरू में तो रोज बारिश, और जाना भी है, जॉब है। वैसे मैं गाड़ी पे जाता था बट वहां से भी वॉक था 10-15 मिनट का, तो आदत पड़ गई थी बारिश की। वही है, जितनी जल्दी आदत डाल लो जहाँ रह रहे हो उसकी, वही हो सकता है। तो तुम्हें कोई ऐसी डिप्रेशन वाली फीलिंग आई नहीं? आज मेरे को नहीं आई। ओके ओके, तो मतलब यार वो इट्स अ पर्सनल मैटर, राइट? राइट, किसी को आ भी सकता है। किसी, मेरे को 1 महीना हो गया UK में रहते हुए और मेरे को लगने लग गया है कि हाँ यार दिन बहुत छोटा है, कि 3 बजे ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद रात ही है। तो अच्छा, तो ख़त्म करें इस वीडियो को, ये पूछ के कि वॉज इट राइट डिसीजन? अभी तो नहीं, वो Too early to decide. अभी क्या लग रहा है? ठीक है, बढ़िया है, बट ऐसा लग रहा है कि वापस कभी जाओगे कि इधर ही रहोगे? अभी कुछ नहीं पता। 4-5 साल बाद इवेल्युएट करूंगा। तो अगर 4-5 साल तक मैं वीडियो बनाता रहा तो आप 4-5 साल बाद मेरे आगे वीडियो देखना? 3 साल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। पर मैं दूं आपको ऑनेस्ट फीडबैक, मतलब इंडिया से आके तो ऑब्वियसली सफाई वगैरह वो सब चीज़ें, पॉल्यूशन बहुत इम्प्रूव्ड हैं ये चीज़ें, बट फिर वही है कि अगर आप इंडिया, मतलब वो नहीं, इंडिया में क्या होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीने का ना, तो आप घर में एक डोमेस्टिक हेल्प रखोगे, कुक रखोगे, ये सफाई वाला रखोगे, यहाँ पे वो सब आपको मिनिमम वेज तो देनी है, अफोर्ड कर ही नहीं पाओगे आप ना, जितनी वेज तो देनी पड़ेगी उसको भी। अगर आप फिर वही बात, जो आप कमा रहे हो उसको दे रहे हो, तो फिर तो नहीं, तो इलीगल हो जाता है। लोग करते हैं ऐसा, पता नहीं
इंडिया से बुला लिया किसी को या वो इलीगल है। मतलब मेरा ये कहना यही होगा कि अगर आपको आराम पसंद है, ऐश पसंद है, तो इंडिया में ही रहो। इंडिया में जो ऐश कर सकते हो वो यहाँ पे नहीं, ऐश नहीं कर Level सकते of freedom है वहाँ पे, but, हाँ। यहाँ पे हर चीज के रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, गाड़ी वहां से यू टर्न नहीं लेनी। इंडियंस का क्या होता है ना कि हमको लॉ तोड़ने की आदत पड़ चुकी है। यहाँ आप लॉ नहीं तोड़ सकते, यहाँ आप फाइन या तो आपको इतना बड़ा फाइन डाल देंगे या आपको जेल भी डाल सकते हैं। और इसमें वो तो लाइसेंस पे आपको लगता रहता है कि अगर दो पॉइंट्स, हाँ वो तो इंडिया में भी होते हैं बट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इंडिया में तो आप, अच्छा यहाँ पे रिश्वत चलती है पुलिस वाले के साथ? नहीं नहीं चलती, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे आवाज़ आई, उसकी उसकी कॉल चल रही है, तो कोई बात नहीं, अभी कॉल चल रही है साहिबा की। तो ठीक है, मतलब यही मैं कहने वाला था कि अगर आपकी, आपको ऐश पसंद है ना लाइफ में, तो इंडिया में ही जितनी ऐश है वो है। अगर आप वहाँ पे लाख के रुपया कमा ले रहे हो तो वहीं पे रहो, अदरवाइज़ यहाँ पे ठीक है आ सकते हो आप, लेकिन फर्स्ट जनरेशन तो मेरे ख्याल से काम में ही निकल जाएगी, अगली जनरेशन में भी थोड़ा सा यू नो आपको, कि आपको आपको सेटअप करना है, आगे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, सब कुछ करना है, और नेक्स्ट जनरेशन को वो मिला मिल जाएगा वो एक बेस लेयर। हाँ, मतलब करने वाले पे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप करना चाहो तो सेविंग अच्छी कर सकते हो, हाँ, और ऐश भी कर सकते हो, ऐश भी कर सकते हो। ठीक है, बता दिया मैंने क्या खर्चा है, कैसे क्या है, बाकी आप पे डिपेंड है। लेकिन वो जो इलीगल तरीकों से आना, वो तो बिल्कुल भी मतलब उसका कोई मतलब नहीं। तो मुश्किल, अब तो मुश्किल ही कर दिया यूके वाले ने, पता नहीं पहले भी अगर कोई ऑप्शन था। अरे कल देखी हमने, परसों वो फिल्म आ रही थी डंकी, शाहरुख खान की वाहियात फिल्म बनाई है उसने। मेरे को तो ऐसा लगता है सारे गवर्नमेंट्स का मिलके ही होता है, रोकना चाहे तो वो रोक ही सकते हैं। रोक ही सकते हैं। चलो ठीक है, लंबी होगी वीडियो, काफ़ी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में मैं पता नहीं कहाँ मिलूंगा, क्योंकि मैं अब आगे जा रहा हूँ बर्मिंघम, और फिर जाऊँगा लंदन, फिर जाऊँगा मैं आयरलैंड। तो पता नहीं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कहाँ मिलूंगा, आई डोंट नो कि वीडियो कब बनाऊंगा कब नहीं बनाऊंगा। तो यार तब तक के लिए गुड बाय, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। We are hardly, yeah. Like a baby Guinness. We're the baby politicians.